रेडियो पाकिस्तान मारूफ शायर व अदीब सैयद आबिद अली आबिद के यौम वफात के सिलसिले में खुसूसी फीचर प्रोग्राम पेश खिदमत है। बेमिसल शायर व अदीब सैयद आबिद अली आबिद, तहरीर इशरत अली खान, रावी सैयद माजिद अली और जाहिदा आफरीदी, प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ, पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। बेमिसल शायर व अदीब सैयद आबिद अली आबिद। दिल का मामला निगहे आशना के साथ ऐसे है जैसे राबते गुल सबा के साथ। दिल का मामला निगहे आशना के साथ ऐसे है जैसे राबते गुल सबा के साथ। देखो तो पेचो ताब की सूरत कि मिल गई शाम फिराक भी तेरी जुल्फे दुता के साथ। देखो तो पेचोताब की सूरत के मिल गई शाम फिराक भी तेरी जुल्फे दुता के साथ। चांद सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं। चांद सितारों से क्या पूछूं, कब दिन मेरे फिरते हैं। वो तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं। एक जमाने में लाहौर की अदबी फिजा में इस शेर की बड़ी गूंज सुनाई देती थी। इस शेर के तख्लीककार आबिद अली आबिद थे, जो 17 सितंबर 1906 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए, बाद में लाहौर आए और फिर यहाँ की अदबी फिजा ने उन्हें हमेशा के लिए अपना असीर कर लिया। आबिद अली आबिद की यूं तो तालीम से वाबस्तगी थी, लेकिन अदब में भी उनका खास मकाम था। खास तौर पर ड्रामा, तनकीद और शायरी के हवाले से आबिद अली आबिद अपना एक इंतहाई मुअस्सर मकाम रखते थे। यूं तो उन्होंने नज्म में भी कमाल फन का मुजाहरा किया, मगर खास तौर पर गजल उनकी पसंदीदा सिंफ सुखन थी। सन 50 के अशरे में उनकी गजल कभी जो अशबे लैलो निहार ठहरेगा तो जेरे साया दीवार यार ठहरेगा, खबर न थी कि गमे यार जिसको समझे थे उसी का रूप गमे रोजगार ठहरेगा। फरेब दिल का न खाना के वक्त पर आबिद बता दिया है कि बे एतबार ठहरेगा। अदबी हलकों में काफी धूम मचाई थी। आबिद अली आबिद ने कई किताबें तनकीद के हवाले से उर्दू और फारसी में लिखी। वो बहुत से अदबी मुजल्लों के एडिटर भी रहे, उनमें एक का नाम शिफा लाहौर था। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर की अदबी फिजा और महाफिल में आबिद अली आबिद को बड़ी अहमियत हासिल थी। यहाँ ये भी याद रहे कि जब बर्रे सगीर में रेडियो की बुनियाद डाली गई, तब मौजूदा पाकिस्तान वाले इलाके में पहला रेडियो स्टेशन लाहौर में कायम किया गया था। इसके बाद पिशावर में स्टेशन खोला गया। रेडियो के इब्तिदाई जमाने में जब लिखने वालों का काल था और लिखने वाले रेडियाई तहरीरों के फन से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं हुए थे, आबिद अली आबिद ने उस वक्त रेडियो ड्रामे लिखना शुरू किए थे। गोया रेडियो के इब्तिदाई लिखारियों में उनका शुमार होता था। उन्होंने फीचर, गीतों भरी कहानियां और डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी और रेडियो के इब्तिदाई अयाम में लिखने का फरीजा पूरी तनदही और महारत से अंजाम दिया। ये 1940 और 1950 का जमाना था
जब रेडियो पर उनका तूती बोलता था। ड्रामों से पहले वो हीर रांझा नामी फिल्म की कहानी भी 1931 में लिख चुके थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई और भी फिल्मी कहानियां लिखी। आबिद अली आबिद की तसनीफात भी मनसबे शहूद पर आईं। उनकी एक ऐसी ही कोशिश को हाशमी बुक डिपो लाहौर ने छापा था। उसमें जादू नगरी यानी तौलिसिमात की बातें थी। इस तरह उनके अफसाने पर मबनी कोशिश शहबाज खान को संगे मील पब्लिकेशंस ने छापा है। उर्दू शायरी और तनकीद पर उनका बहुत बड़ा और अहम काम है। आबिद अली आबिद ने उर्दू जुबान में अदबी तनकीद के उसूल पर मबनी एक जामे किताब लिखी है, जबकि उनकी एक किताब अल्लामा इकबाल की शायरी का तनकीदी जायजा के उन्वान से भी है। इसे भी मुल्क के मशहूर इशाती इदारे संगे मील ने छापा है। इस सिलसिले की एक किताब भी छपी है जिसका उन्वान था अल बयान, और एक और किताब है असलूब। यह भी तनकीद के हवाले से उनका अहम काम है। शायरी के हवाले से उनका ख्याल था कि शायर इंसानी सोच का मुसव्विर होता है। वो जिंदगियों की हकीकतों और तलखियों को लफ्जों का रूप देता है। शायरी इंसान के आफाकी मसाइल की तर्जुमान और जहनी शऊर की गमाजी होती है। शायरी में अल्फाज के धनक रंग और ख्यालात की खुशबू सोचने वाले के लिए इदराक और आगाही के दरवाजे खोल देती है, और फिर इंसानी भेदभाव खुलकर सामने आ जाते हैं। आबिद अली आबिद ने शायरी के भेदभाव इस तरह भी खोले हैं। मोमिन की मशहूर गजल है, उसका जवाब तो कौन लिख सकता है, लेकिन कुछ शेर मुलाहजा हूँ। दिल का मामला निगहे आशना के साथ ऐसे है जैसे राबते गुल सबा के साथ। दिल का मामला निगहे आशना के साथ ऐसे है जैसे राबते गुल सबा के साथ। देखो तो पेचो ताब की सूरत कि मिल गई शाम फिराक भी तेरी जुल्फे दुता के साथ। देखो तो पेचोताब की सूरत के मिल गई शाम फिराक भी तेरी जुल्फे दुता के साथ। पता है दो शेरों का, ये क्या बहार है कि दिखाई गई मुझे शोलों की आंच भी गुले रंगी कबा के साथ। ये क्या बहार है कि दिखाई गई मुझे शोलों की आंच भी गुले रंगीन कबा के साथ। ये क्या तिलिस्म है कि सुनाया गया मुझे साजे शिकस्त दिल तेरी आवाज़े पा के साथ। ये क्या तिलिस्म है कि सुनाया गया मुझे साजे शिकस्त दिल तेरी आवाज़े पा के साथ। ए दोस्तों यही है क़यामत के रोज़े हाशर हम भी जगाए जाएंगे खलके खुदा के साथ। ए दोस्तों यही है कयामत के रोज़े हाशर हम भी जगाए जाएंगे खलके खुदा के साथ। गुलशन में आई पैरहने रंग बन गई वो मौज खून के चेहरा कुशा थी हिना के साथ। गुलशन में आई पैरहने रंग बन गई वो मौज खून के चेहरा कुशा थी हिना के साथ। मक्ता है आबिद बयान जलवे नागाह क्या करूं, खूबी अदा के साथ है शोखी हया के साथ। आबिद बयान जलवे नागाह क्या करूं, खूबी अदा के साथ है शोखी हया के साथ। उसे मलाल हो क्या दोस्त की जुदाई का, जो सह चुका हो रंजो गम आशनाई का। भलाई में भी निकाला सबब बुराई का, बना दिया है अदू ने पहाड़ राई का।
आबिद अली आबिद की तख्लीकात में फिक्री गहराई के साथ साथ चौंका देने वाला अंदाज होता था। उनकी नसर हो या नज्म, आम कारी या सामे के लिए मुतासिर कुन होती थी। तशबीहात और इस्तआरात से पुर होती थी, जिससे सुनने और पढ़ने वाला दोनों यकसां खत उठाते थे, बल्कि अब तक उठा रहे हैं। उनके ख्याल में फनकार अपने शाहकार या तख्लीक पर नाकेदाना नजर डालता है, तब ही एक शाहपारा जन्म लेता है। आबिद अली आबिद जब नाकेदाना नजर डालते तो उनके ख्याल में तख्लीक में कजी या कमी रह जाने की तीन वजूहात होती हैं। वजदान की लहर का कमजोर होना, पजीराई के लिए आमादगी का नाकाफी होना, या हेत की दिक्कतों का सामने आना। उनका ख्याल था कि तख्लीकी तहरीक के लिए मादी बुनियाद का होना जरूरी है। मसलन वो कहते हैं, वाइज़ शहर खुदा है मुझे मालूम न था, वाइज़ शहर खुदा है मुझे मालूम न था, यही बंदे की खता है मुझे मालूम न था। अजब अंदाज से था कोई गजल खां कल रात, आबिदे शोला नवा है मुझे मालूम न था। आबिद अली आबिद की ड्रामा नगारी भी आम आदमी की तवज्जा हासिल किए रखती थी। उनके लिखे हुए रेडियाई प्रोग्राम न सिर्फ अपने अंदर गहरा सबक लिए हुए होते थे, मगर साथ ही उनकी जबान, अंदाज और लफ्जियात आम फहम होती थी। यही बात उनकी फारसी तख्लीकात और तनकीदात पर मुंतबिक होती थी। उस जमाने के जराइद और रिसाइल में आबिद अली आबिद की शख्सियत और अदबी कारनामों पर इदारिये, आर्टिकल और मजामीन तवातुर से लिखे जाते थे। वो अपने जमाने की महाफिल और मुशायरों की पहचान थे। नरम दिल, नरम गुफ्तार, नरम आवाज, आबिद अली आबिद ने 3 बार हार्ट अटैक का मुकाबला किया और हर बार उसे शिकस्त दी, लेकिन 4थी बार बीमारी ने उन्हें शिकस्त दे दी और वो 20 जनवरी 1971 को लाहौर में इंतकाल कर गए। जानने के लिए बेताब था अग्यार का हाल, उसने पूछा ना हमारे दिले बीमार का हाल। सामेईन, अभी आप बेमिसल शायर व अदीब सैयद आबिद अली आबिद के यौमे वफात के हवाले से खुसूसी फीचर प्रोग्राम सुन रहे थे। तहरीर इशरत अली खान, रावी सैयद माजिद अली और जाहिदा आफरीदी, प्रोड्यूसर मोहम्मद आरिफ, पेशकश रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद।